माँ के जी, क्रियांश का जन्मदिन आने वाला है और क्रियांश जो है कुछ ही दिनों में जो है हो जाएगा एक साल का। अभी टाइम है थोड़ा सा, लेकिन अब उसकी तैयारी जो है करना शुरू करना है। आज क्या किया, पूरा सोजन फैला दिया है तुम। दादी पीटेगी तब सोजन को फैला कर। वहाँ अलार्म बजने लगा तो भागा है एकदम, जान लेकर उसको देखने के। कहाँ जा रहे हो, अलार्म बंद हो गया। समेटेगा कौन जो फैलाए हो, कौन समेटेगा भैया। कहाँ जा रहे हैं आप, अलार्म बंद है। कहाँ जा रहे हैं आप, किधर, चप्पल लेना है। ये क्या कर रहा है, तोड़ दे, तोड़ दे। जा क्या कर रहा है बेटा। जैसे वीडियो शूट करेगी अपना काम नाम छोड़ देगा, दिखाने लगेगा हम बहुत शरीफ है, हैं? बहुत शरीफ है। The next day. क्रियांश, चल क्यों नहीं रहा है? चलो 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 चलो। अब इसका चलने पर से फोकस खत्म हो गया है, फोकस आ गया पापा पर। ओए ठीक है। चल चल के दिखा रहे हैं पापा को। मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। भाग्या 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 भाग्या। तो फिलहाल नीचे चलते हैं, नीचे चल करके जो है दूध लाते हैं। और हाँ जी, वीडियो देख रहे हैं अभी तक ट्रेंडिंग में बना हुआ है, थैंक यू जी इतना सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि ट्रेंडिंग में देखता हूँ कि जो भी ज्यादातर 40-45 इन सब रैंक पर रहते हैं जल्दी से ट्रेंडिंग लिस्ट से बाहर भी चले जाता है, लेकिन देख रहा हूँ 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक वो ट्रेंडिंग लिस्ट में बना हुआ है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये कौन सा डांस है क्रियांश का? ओए ये कौन सा डांस है? ये मेरा डांस है, क्रियांश का डांस है। आ ते 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 सबको जय जय कर दीजिए बेटा, जय 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 कर दो। बाबा तो अब चलते हैं नीचे, नीचे से जल्दी से जा करके दूध उठा करके लाते हैं और बनाना शेक बनाते हैं। हमारी सुबह ऐसे ही होती है। अभी जो इधर का हाल है जी, पूछिए मत। इधर एक गाड़ी लगी हुई, इधर एक बाइक लगा हुआ, उधर एक बाइक है और इधर पतला सा रास्ता है, तो इधर से ही जाना होता है। अभी ले लिया जी दूध, तो अब सीधा चलते हैं। अच्छा फल सब भी है, लेकिन पहले बनाना शेक पी लेते हैं, फिर देखते हैं फल खाने का। तो आज है रविवार और आज रविवार को जो है खाना पीना थोड़ा लेट से ही बनता है, चाहे ड्यूटी हो या ना हो। मैं फिर भी आदत जो हो गया, लेकिन आज थोड़ा सा सोचते हैं रिलैक्स है। नहीं आज तो ऐसे थोड़ा सवेरे बन गया है, और सब समय 12 बजे बजता है, आते पीते 3 बजता है। हां तो संडे जो है अच्छे से उस दिन बनता है। देखो मैं सब दिन सेवा में रही, और सेवानिवृत्त होने के बाद भी मेरा रूटीन रविवार का जो है अभी भी लगा हुआ, क्योंकि वह मेरा आदत बन गया। तो मेरे हस्बैंड अभी भी जाते हैं कचहरी, भगवान करेंगे जब तक वो स्वस्थ रहेंगे तो जाएंगे ही, तो हमको उन्हीं को लेकर के चलना है। आज उनको छुट्टी रहती है, थोड़ा हमको लगता है कि राहत है। अच्छा तो आज बन रहा है जी आलू सोहजन की सब्जी और साग बना है, साग भी बना है। चलो बढ़िया, अभी तो रोटियां बन रहा है तत्काल, धनिया चटनी बना है। मेरा मन है चावल बने, नहीं हो बन सकता। अच्छा नहीं चावल बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि दिन में जब तक चावल खाते नहीं संतुष्टि मिलता नहीं। ना हम तो चाहते हैं जितना लोग रोटी खाते उतनी अच्छी बात है, स्वस्थ रहे। क्या कर रहा है बुग्गा, नहीं नहीं कर रहा है जो ना। और मेरे रूम में इधर देख सकते हैं क्या हाल है, इधर 2 बन चुका है अभी फिलहाल, पूरा रूम गंदा है। मैं क्रियांश के कपड़े निकाल लेती हूँ। ले लिया क्रियांश के कपड़े, आ जा जल्दी से। ओए होए 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 होए, खाना है आपको? क्रियांश खाएगा, हमने दिया ना आपको हुमूस। चटनी खिला दो तो एक बार खट्टा। चटनी खाओ तो कैसा लगता है खट्टा?
खाएगा जी। अच्छा लगा इसको चटनी, तो धनिया का चटनी क्रियांश को अच्छा लग रहा है। अभी ओए क्रियांश, अब नहीं देखूंगा, तीखा है ये। हाँ हाँ, वैसे क्रियांश का जो है सेब लगा हुआ है। क्रियांश चलो सेब खाने, एप्पल खाएगा। एप्पल इसको चटनी खाने में अच्छा लग रहा है, तीखा है। मम्मा नहीं खा रही है, तुम खा रहे हो। चटनी और खाएगा, पता है हम तीखा ज्यादा नहीं खाते हैं। ये तीखा खाएगा, अच्छा खासा तीखा खाएगा। फिर तीखा खाएगा, ऑल चाहिए, ऑल चाहिए। जाते कि नहीं ऐसे? ऑल चाहिए, जाते कि नहीं तू यहाँ से? ओए अब जिया को जो है उठ करके बाहर जाना पड़ रहा है खाने के लिए, क्योंकि क्रियांश जो है आधा चटनी खा चुका है, हैं? और कह रहा और चाहिए, लेकिन हमें डर लगता है कि इस एज में जो है इतना खट्टा देना सही है कि नहीं। सुना है कि सही नहीं है, इसका किडनी उतना मजबूत नहीं होता इन सब चीजों को पचाने के लिए। ये देखिए रो रहा है, किसे खाना है? चलो चलो तुमको दूसरा चीज देते हैं खाने। हेलो हेलो, राधे राधे, क्या चल रहा है? एक कैमरा लेगा हूं। कैमरा लेगा? त्रयोदशी है प्रदोष। अच्छा, तब भोग लगाए थे भगवान को। अभी जाएंगे फलाहार करने, सोचे पोता पति पुतो सबको। अच्छा ठीक है, पहले इसको दीजिए, देखने में आप कैसे पहले पापा को दे दिए। हाँ का व्रत है, इसे भोलेनाथ के भरोसे हम किसी को नहीं लगाते। चलो जय जय। और अच्छे लोगों का हमेशा सम्मान करते हैं। बोलो खराब होने इसका गन्ना तो हम नहीं कर सकते हैं, प्रभु करते हैं। तुम ली? हाँ दिए था। भगवा बेटी और लेते, थोड़ा सा चीनी हमसे रोज मांगता है, जब दूध पीता है ना, जब तक हम दूध बनाते तब तक हमसे चीनी लेता है। मिस्त्री खाता है, ये लेके जा रहा है दादी को देने के लिए। दादी को जा करके देगा। वाह बहुत बड़ा बेटा हो गया मेरा, बहुत काम कर रहा है, बहुत समझदार हो गया। चलो चले, बाय बाय पापा, बाय बाय। पकड़ लिया रे, ठीक है जाओ बाय। क्या खा रहा है? अभी जो माँ से अंगूर मांगा था, माँ कैसे कितना चांस मांगा था अभी? बाप रे देखा, इतना चांस है उधर जाने लगा हमको हाथ कर दे। मतलब मांगने का था, अभी तो फिर सेब लिया है। हाँ बाबा से उधर से अंगूर का टुकड़ी तो गिरता है, उसको पेट के बल नीचे करके उसको जी से उठाता है। बाल लौज लिया रे भैया, रुको ना अभी तुम। बाकी जी क्रियांश का जन्मदिन आने वाला है, और क्रियांश जो है कुछ ही दिनों में जो है हो जाएगा एक साल का। अभी टाइम है थोड़ा सा, लेकिन अब उसकी तैयारी जो है करना शुरू करना है हमें। और उसके लिए जो है अपने जितने भी साथ के क्रिएटर हैं, जितने भी साथ के रिश्तेदार हैं, सभी लोगों को जो है फोन मिलाना शुरू कर दिया है कि आप लोगों को जन्मदिन में आना है। क्रिएटर रिश्तेदार नहीं, क्रिएटर रिश्तेदार हमारे डैडी और मेरा अपना, जहाँ वहाँ का समाज, बिल्कुल सब कोई, सबको जोड़ना है। और एक यही बहुत बड़ा अवसर है, बिल्कुल, जो हम सबको बुला के एक बार सबसे मिलेंगे। करने वाले तो हम छठी में थे, लेकिन हमारी छोटी बहुरी तो बीमार पड़ गई थी, काल के मुँह से ईश्वर ने उसे लौटाया। बिल्कुल, इसके लिए भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो जन्मदिन के अवसर पर हम जरूर सबको बुलाएंगे, यथाशक्ति सबका स्वागत। बिल्कुल जी, और बाकी हॉल बुक होना था, तो हॉल बुक करने का जो है अभी चल रहा है प्रक्रिया, अभी तक पता नहीं चला है। बहुत डिमांड रहता है, नहीं बहुत डिमांड रहता है डॉक्टर ने बोला कि 24 घंटा चश्मा लगा के रखने के लिए, इसके डर से नहीं लगाते। हमको चश्मा लगाना एकदम जरूरी है, लेकिन अपना पोता झलते नहीं लगाते हैं, कि जो चश्मा कहीं आने जाने के लिए वो एक सेकंड में। अपने मामा का जो है चश्मा ये तोड़ चुका है, बाकी हम जब भी इसको गोद में लेते हैं तो चश्मा पहले खोल लेते हैं, क्योंकि सीधा चश्मा पर हमला होता है। तो बस चश्मा के भरोसे आने जाने लायक है। बिल्कुल, आज आप पोता के मतलब में आ जाइए कैप्चर में, तभी हमको आने जाने के लिए।
तो ऐसा करते हैं, जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, आप लोग से हम आग्रह करते हैं कि भगवान से दुआ कीजिए कि ये बच्चा का जन्म सब बहुत अच्छे ढंग से हो जाए और सबका स्वागत। बिल्कुल जी, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।